मानना एक अलग बात है कि मैंने गुरु दीक्षा ले रखी है, लेकिन गुरु की मानना वह एक अलग बात है। गुरु तो आज एक फैशन हो गया है, कथा पे ना जाने कितने कितने संत डायरेक्ट टीवी से ही नाम दीक्षा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वह गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि गुरु मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना अलग बात है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप नहाने के लिए बाजार से एक साबुन लेकर के आते हैं, और वे साबुन जब तक घर ला करके आप उस साबुन को खोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, नहाते हैं, तब आपके तन की मैल दूर होती है। यदि आप साबुन खरीद करके ले आए और ला करके अपनी अलमारी में रख लें, तब तब आपके तन की मैल दूर होने वाली नहीं, जब तक आप उसका ठीक तरीके से उपयोग ना करें। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार गुरु दीक्षा ले ली, लेकिन यदि गुरु दरबार का पालन नहीं किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु दीक्षा लेनी बेकार है। एक राजा के यहां कन्या हुई। छोटे होते से ही जब वह बोलना सीखी तो केवल और केवल परमात्मा की बात करती, केवल परमात्मा, केवल भगवान के नाम का चिंतन करती। थोड़ी सी बड़ी हुई तो भजन गाने लगी, और थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने सुना कि बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं है। उस कन्या को तलब लग गई कि किस कब मेरे सदगुरु भगवान मुझे मिले, कब मैं गुरु धारण करूं। राजा ने उनकी इन सब बातों को देख करके, उसके इस चित्र को देख करके उस कन्या का नाम रख दिया वैराग्यवती। क्या नाम रख दिया? वैराग्यवती, क्योंकि हर समय विराग में रहने वाली वह कन्या, राजा ने उसका नाम वैराग्यवती रख दिया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, संसार में मेरा मोह नहीं है, आप कृपा करके मेरे रहने का अलग कोई व्यवस्था कर दीजिए। राजा के पास किस बात की कमी प्यारे, उसने अलग से एक बढ़िया सी आलीशान सी कुटिया बनाई, उसमें उसके लिए सभी प्रकार के सुख सुविधाएं दी। लेकिन वैराग्यवती को सुख सुविधाओं से क्या लेना देना, वे एक कमरे में रहती और केवल हरि नाम का चिंतन करती। एक बार वैराग्यवती के उस महल के अंदर चोर घुस आया, उस कुटिया के अंदर चोर घुस आया। चोर नकब लगा रहे थे, नकब जानते हैं ना आप सब, दीवार को थोड़ा सा तोड़ दिया कि इसके अंदर से, अब तो पक्की दीवारें हैं, अब तो खैर और टाइप की हो गई, नकब ही नहीं रहे। कच्चे मकान कच्ची कुटिया होती थी, तो वो नकब लगाया, थोड़ी सी जगह बनाई उस चोर ने कि उसके अंदर से लांग के चला जाए और अंदर जाकर के चोरी कर सके। नकब लगा रहा था तो उसने देखा कि वे वैराग्यवती, वे कन्या प्रभु के स्वरूप के सामने खड़ी होकर के चिंतन कर रही है कि हे प्रभु, मुझे कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, आपका हरि नाम का सदैव चिंतन करती हूं, मुझे सद्गुरुदेव भगवान की कब प्राप्ति होगी, कब प्राप्ति होगी। चोर ने देखा कि अरे मैं बेकार ही नकब लगा रहा हूं भैया, इसको तो सद्गुरुदेव भगवान की आवश्यकता है, क्यों ना मैं संत का रूप धारण कर लूं। उसने मैली सी चदरिया थी चोर के पास मुंह ढकने के लिए, उसने वही ओढ़ ली और हरी 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 करते उसके कमरे में प्रवेश किया। जब कमरे में प्रवेश किया तो वह वैराग्यवती कन्या संत रूप जान करके चरणों में झुक गई, दंडोत किया उसने कि जी महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ। बोले कुछ नहीं, न जाने सीधा सीधा जा रहा था, अचानक कुटिया में न जाने मैं क्यों खींचा आया। वैराग्यवती समझ गई कि लगता है प्रभु ने आपको मेरे पास भेजा है, मैं अभी प्रभु के सामने चिंतन कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे सद्गुरुदेव भगवान की कब प्राप्ति होगी,
तो सदगुरुदेव भगवान ने आपको भेजा है, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। वह चोर समझ गया कि पाला मेरी और है। उसने कहा कि ठीक है। वैराग्यवती भागी भागी गई, पानी लेकर के आई किसी पात्र में। जब वो जल ला करके उसने संत को दिया, संत ने इनकार कर दिया, अरे नहीं भैया आप दीक्षित हो। बोले नहीं महाराज, इसी बात का तो चिंतन कर रही हूं। बोले नहीं, हम आपके हाथ का जल ग्रहण नहीं कर सकते, आप दीक्षित नहीं हैं। कन्या बोली, महाराज आप हमें दीक्षा दे दें, आप हम पर कृपा करें, आप मुझे भगवान से, मेरे हरि से, मेरे प्रीतम से मिलाने का आप ही मार्ग बताइए। वह बोले कि नहीं, हम वैरागी हैं, हम ऐसे नहीं देते दीक्षा, आपको जंगल में चलना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, मैं आपके संग चलने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, अगर कोई जेवरात घर में है तो वो ले लो, आज के बाद आपका उससे कोई काम नहीं। वैराग्यवती को तो सिर्फ सदगुरुदेव भगवान के नाम से लेना देना था। उसने सारी जितना भी जेवरात राजा ने दिया था, वे तो पहले ही उसके किसी काम का नहीं था, उसने सारा जेवर एकत्र कर लिया। बोले और सुंदर सुंदर कपड़े भी हो जिनसे तुम्हारा मोह हो, वो भी रख लो, आज त्यागने हैं तुमको। बोले महाराज मेरा तो मोह नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कपड़े मेरे पिता ने, मेरे राजा ने मुझे दिए हैं, मैं वो सब कपड़े बांध लेती हूँ। उस कन्या ने, वैराग्यवती कन्या ने वो सब कपड़े और जेवरात उसने बांध लिए। पहुंच गई उस महरूपी के साथ जंगल में। जब जंगल में पहुंची, वह चोर उसने कहा कि सामने वृक्ष देख रहे हैं। कन्या बोली हाँ। बोली इसके साथ खड़े हो जाओ, पहले मैं आपको बंधन में बांधूंगा, फिर बंधन मुक्त करूंगा। वैराग्यवती भोली भाली कन्या, वे चतुर चतुराई क्या जाने। वैराग्यवती उस पेड़ के साथ ज्यों ही खड़ी हुई, त्यों ही उस चोर ने, उस बहरूपी ने रस्सी निकाली और वैराग्यवती को बांध दिया। बोले तुम्हारे ये जो जेवरात है, तुम्हारे ये जो कपड़े हैं, मैं इसको पहले गंगा में प्रवाह करके अभी आता हूँ, फिर तुमको बंधन से मुक्त करूंगा, फिर तुम्हें दीक्षा दूंगा। वैराग्यवती बोली ठीक है महाराज, प्रणाम है आपको, ठीक है महाराज। महाराज चोर कब हाथ आने वाला है, वो तो गया। वैराग्यवती वहीं बैठी, किसी ने जाकर के बताया कि राजा को आपकी कन्या वहां जंगल में बंद है। राजा जी दौड़े दौड़े गए, बोले अरे बेटी ये कैसे हुआ। सारा वृतांत बताया कि मेरे घर आज सदगुरुदेव भगवान आए हैं, आज मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगी, आज मुझे दीक्षा मिलने वाली है। बोले पगली, वो चोर था, तुझे बांध करके तेरा सारा जेवर लूट करके ले गया, घर चल मैं तेरा अभी बंधन खोलता हूँ। बोले नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, आपको प्रणाम है, इस बंधन में गुरु ने बांधा है, गुरु ही मुझे मुक्त करेंगे, आपको प्रणाम है, लेकिन बंधन तो केवल गुरु ही खोलेंगे। पिताजी चले गए। बोले मर तो फिर, जब बालक बात नहीं मानता, माता पिता हार के क्या कहेंगे, मर फिर। बोले मर फिर। कुछ देर बाद संत बताते हैं कि मेरे ठाकुर का सिंहासन डोलने लगा। ठाकुर ने बुलाया नारद जी को कि नारद जी जाकर के देखिए, कोई उपाय कीजिए। नारद जी गए, प्रकट हुए उस कन्या के पास, आवाज लगाई, नारायण नारायण नारायण। वैराग्यवती ने प्रणाम किया, बोली मैं, नारद जी बोले मैं ब्रह्मलोक से, मुझे ठाकुर ने भेजा है तुम्हारा बंधन मुक्त करने के लिए। वैराग्यवती प्रसन्न हो गई, बोले क्या आपको मेरे ठाकुर ने भेजा है, आपको मेरे हरि ने भेजा है। बोले हाँ, मैं आपको बंधन से मुक्त करने आया हूँ। बोले महाराज आपको भगवान ने भेजा है, आपको प्रणाम है, लेकिन संत मेरे सतगुरुदेव भगवान का ये बंधन है, इस बंधन से तो केवल वही मुक्त करेंगे। नारद जी बोले मर फिर।
नारद जी पहुंच गए ठाकुर जी के पास। बोले ठाकुर जी अजीब लीला है। ठाकुर जी भी चिंतित, ये लीला कैसी हो रही है। ठाकुर जी स्वयं उतर गए। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर भुजा उठा करके एक बार कही जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। अब प्रभु प्रकट हुए, बहुत प्रसन्न हो गई वैराग्यवती। प्रभु बोले हम आपको बंधन से मुक्त करने आए हैं, लेकिन वैराग्यवती कहाँ मानने वाली। वैराग्यवती बोली प्रभु आप स्वयं आए हैं मेरा बंधन खोलने, आपको प्रणाम है, केवल बंधन तो मेरे सतगुरु ही खोलेंगे। मैंने सुना है ऐसा, मैंने रसिकों की वाणी सुनी है। उसने मन ही मन सोचा वैराग्यवती ने, कही है मेरी परीक्षा ना हो कि मैं कहीं भगवान के लालच में आके सतगुरुदेव भगवान को खो ना बैठूं, नहीं मैं बंधन तो केवल सतगुरुदेव भगवान से ही खुलवाऊंगी। प्रभु ने बहुत बार समझाया, लेकिन वे वैराग्यवती कन्या नहीं मानी। नारद जी को बोला ठाकुर जी ने, प्यारे करो कुछ इंतजाम, ढूंढ के लाओ। नारद जी बोले प्रभु वह चोर है, उसका क्या ठिकाना, ना जाने कहाँ है, लेकिन प्रभु का आदेश हुआ है, नारद जी कैसे ना माने। माता जी को कुर्सी दे दो। प्रभु का आदेश हुआ है, नारद जी कैसे ना माने। नारद जी चले गए, अंतर्ध्यान होकर के देखा जहां वह चोर किसी और कुटिया में चोरी की तलाश में नकब लगा रहा था, वहीं पर पीछे से एकदम से नारायण नारद जी पहुंच गए और बोले नारायण नारायण। चोर घबरा गया, बोले लगता है पकड़ा गया। बोले चलो महाराज, शिष्या बुला रही है गुरुदेव, शिक्षा बुला शिष्य बुला रही है आपकी। बोले नहीं नारद जी मेरे से गलती हो गई, मैं कोई गुरु गुरु नहीं। नहीं प्रभु आप तो गुरु हैं, वे इंतजार कर रही है वैराग्यवती बंधन खुलवाने के लिए, आपकी प्रतीक्षा कर रही है, राह देख रही है, आपको चलना पड़ेगा। बोले नहीं नारद जी मुझे माफ कर दीजिए, जैसे चोर पकड़ने पर गिड़गिड़ाता है वो भी गिड़गिड़ाया। नारद जी बोले भैया वहां प्रभु खड़े। क्या वहां प्रभु खड़े हैं? जी हाँ वहां प्रभु खड़े हैं, आपको चलना पड़ेगा। चोर को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया, नारद जी लेकर के आए। भगवान भोले भैया गे गुरु जी जरा बंधन से मुक्त कीजिए वैराग्यवती को। बोले नहीं महाराज, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैंने धन के लालच में आकर के ऐसा स्वयंवर रचा लिया, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं आपके अपराध की बात बाद में करेंगे, पहले आप इस शिष्य को बंधन मुक्त कीजिए। आप भक्ति देखी वैराग्यवती की, जो ही उस चोर ने बंधन से मुक्त किया वैराग्यवती को, वैराग्यवती के सम्मुख खड़े हैं नारद जी, सम्मुख खड़े हैं नारायण जी, और सम्मुख खड़ा है वह चोर जिसको वो हृदय से अपना सतगुरु मान चुकी है। वे इस चोर के उस सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में झुक गई और बोल उठी गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला। आप चोर हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, प्रभु आप मेरे सतगुरुदेव भगवान हैं, मैं हृदय से आपको धारण कर चुकी हूं, आपकी कृपा के
कारण ही आज प्रभु मेरे सम्मुख हैं, इनका दीदार पा पाई हूँ, इनका दर्शन कर पाई हूँ। मेरे सच्चे सदगुरु तो आप हैं, लेकिन हम लोग यदि गुरु दरबार में आए, गुरु दरबार के कोई सेवक भी यदि कोई छोटी बड़ी बात कह दे तो हम गुरु दरबार जाना छोड़ देते हैं। यदि हम लोग गुरु दरबार जाएं और गुहा के कोई सेवक ही यदि हमें कोई बात कह दे, यहां हमारे श्री चड्डा जी को ही ले लो, कितनी सेवा है। संत कहते हैं सामने वाले के दोष को मत देखो, उसमें लाख दोष हैं, केवल उसके एक गुण को देख लो, केवल एक गुण को। कैसी कठिन तपस्या है अपने घर को छोड़ करके बैठना, आसान बात नहीं है। आइए एक छोटा सा भाव, जिस जिसने गुरु धारण कर रखे हैं वो अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए इस भाव को बोले, और जिसने आज तक कोई गुरु धारण नहीं किया वे प्रभु से प्रार्थना करें। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, जेड़ा तार हरि नाल जोड़े, ऐसा कोई संत जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जेड़ा तार हरि दे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोली सतगुरुदेव श्री बाबा लाल दयाल महाराज की जय। सभी ने अपने अपने सतगुरुदेव भगवान को मनाया है। बुल्ले शाह के गुरु उनसे रूठ गए तो कंजरी बन करके भी बुल्ले शाह ने अपने गुरुदेव को मनाया है। कंजरी बन करके नाचे हैं उनके दरबार में, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, वे भी केवल गिरधर के लिए। उसके तो सतगुरु भी यही, गिरधर भी यही, गोपाल यही, गुरु दरबार की यही महिमा है। प्यारे यदि आप किसी गुरु दरबार से जुड़ते हैं तो उसमें अपनी आस्था रखिए। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सतगुरुदेव भगवान की कृपा से ये श्री भक्तमाल कथा श्रवण करने को मिल रही है। श्री भक्तमाल कथा आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भक्तमाल कथा है क्या, ये भक्तमाल कथा है क्या। इसके नाम से ही पता चलता है यह एक भक्त वत्सल भगवान के प्यारे लाडले चहेते भक्तों की कथाओं की एक माला है, जिसको श्री नाभा जी ने पिरो करके प्रभु के श्री चरणों में अर्पण किया। आप मत भागवत कथा सुनते हैं, उसको प्रभु के प्यारे प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के जन जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन भक्तमाल कथा इसके प्रथम श्रोता मेरे ठाकुर जी स्वयं हैं। भक्तमाल कथा के प्रथम श्रोता मेरे ठाकुर जी स्वयं हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, श्री बांके बिहारी मंदिर में कौन कौन गए हैं बांके बिहारी मंदिर, लेकिन कुछ ही लोगों को मालूम है कि बांके बिहारी मंदिर में जब बिहारी जी को भोग अरोगा जाता है तो उनके सम्मुख भक्तमाल कथा का गायन होता है, तब मेरे ठाकुर जी उस निवेदित प्रसाद को, उस भोग को अरोगते हैं। बिना भक्तमाल के प्रभु को वहां भोग नहीं लगता बिहारी जी के मंदिर में। ऐसे ही अयोध्या में
कनक भवन में कनक बिहारी जी को जब रात्रि में किशोरी जी के साथ शयन करवाया जाता है तो उनके संग में भक्तमाल कथा को भी विराजमान किया जाता है। रसिकों का, संतों का, गोसाइयों का ऐसा मानना है कि रात्रि में बिहारी जी किशोरी जी को और किशोरी जी बिहारी जी को आनंद देने के लिए अपने भक्तों की कथा एक दूसरे को श्रवण कराएं और आनंद प्राप्त करें। आपके घर में ठाकुर जी होंगे, किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? आप सबके घर में ठाकुर जी हैं, अनेक सेवाएं आपने ठाकुर जी की प्रारंभ कर रखी होंगी। आज से एक निश्चय और कर लीजिए, भक्तमाल कथा को भी अपने घर में विराजमान कीजिए। ये इतनी पवित्र भक्तमाल कथा है, आप नित्य प्रतिदिन, बहुत ही सरल कथा है, इसको आप नित्य प्रतिदिन मेरे ठाकुर को, मेरे लड्डू गोपाल जी को आप सुनाएं। नित्य प्रतिदिन एक भक्त का वाक्य निकालें और ठाकुर जी को सुनाएं। मत पढ़िए कोई चालीसा, कोई किसी भी प्रकार की पूजा भक्ति बेशक आप कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत करें, लेकिन समय भक्तमाल को जरूर दें। एक भक्त की कथा मेरे ठाकुर को नित्य प्रतिदिन सुनाए, श्रवण कराएं। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा, मेरे ठाकुर जी आपका घर छोड़ करके कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको भक्तमाल में उनके लाडले प्यारे भक्तों की कथा सुनने को मिलेगी। और यदि किसी दिन समय ना हो, मलूक पीठ वाले श्री राजेंद्र दास जी महाराज, परम पूजनीय रसिका पागल जी महाराज के परम शिष्य श्री चित्र विचित्र जी महाराज जी बाबा जी कहते हैं कि यदि आपके पास समय ना हो तो आप ठाकुर जी को केवल इतना कह दें कि प्रभु आज थोड़ा सा कार्य में व्यस्त हूं, आज मेरे पास समय नहीं है, आपको मैं कल इस भक्त की कथा सुनाऊंगा। किसी भी एक भक्त का नाम लेकर के कह दीजिए, आपको कल मैं उस भक्त की कथा सुनाऊंगा, आज थोड़ी सी व्यस्तता है, आपसे आज के लिए क्षमा, बिहारी जी कल के इंतजार में आपका घर छोड़ करके जाने वाले नहीं। ऐसी पवन पवित्र कथा है श्री मद भक्तमाल कथा। इस कथा को लिखा किसने, ऐसा भी प्रश्न आप सबके चित्त में होगा। श्री नाभादास जी महाराज, एक बार की बात है, हनुमान जी महाराज योग में बैठे होते हैं और योग में बैठे बैठे उनको पसीना आ जाता है। जब वो पसीने की बूंद टपकती है तो शंकर भगवान देख लेते हैं, उसे अपने हाथ में उस पसीने की बूंद को ले लेते हैं और समय आने पर उसको नाभादास जी का रूप दे करके प्रकट करते हैं श्री नाभादास जी को। नाभादास जी, उनका नाम इसी कारण पड़ा नाभादास। एक और कहानी है नाभादास जी के जीवन से जुड़ी हुई, आप सभी जानते हैं। मेरे ठाकुर जी अपनी बाल लीला के वक्त जब ब्रज में लीला कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मेरे ठाकुर के ग्वाल, जितने उनके सखा थे, उनकी गैया थी, सब चुरा ली थी और ब्रह्मलोक में ले गए थे। जब ब्रह्मलोक में ले गए तो मेरे ठाकुर ने अंतर ध्यान होकर के देखा कि ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी को शाप दे दिया मेरे ठाकुर ने कि आपके पास नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन वाला कार्य आपने किया है, तो आप नेत्रहीन होकर के आप धरती पर जन्म लेंगे। ऐसा भी मानना है कि श्री नाभादास जी महाराज ब्रह्मा का ही अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी के अंश अवतार श्री नाभादास जी प्रकट हुए, प्रकट होते ही कुछ ही माह के बाद उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया,
जिस गांव में वो रहते थे वहां सूखा पड़ गया। उनकी मैया उनका भरण पोषण उनका पालन करने हेतु उनको वन में लेकर के चली गई कि शायद कोई पुष्प मिल जाए, शायद कोई फल मिल जाए, कोई तरु मिल जाए जिससे मैं अपने लाल की भूख मिटा सकूं। एक माह से ऊपर हो सका है, सूखा पड़े, कोई ढंग से कोई चीज मिल नहीं पा रही, पानी भी नहीं मिल पा रहा, कैसे करूं अपने इस लाल का भरण पोषण। इसी चिंता में वे मैया उस बालक को गोद में लेकर के वन वन में घूम रही है। मैया के शरीर में जान नहीं है, वे किसी वृक्ष के नीचे उस बालक को, छोटे से बालक को लिटा करके एक वस्त्र पे और जंगल में कहीं पानी ढूंढने चली गई। जब वह मैया पानी ढूंढने गई, काफी समय व्यतीत हो गया, मैया लौट करके नहीं आई, क्योंकि नाभादास जी पिछले ही जन्मों से ब्रह्मा अंश हैं, इसलिए उनके बेशक ये नेत्र नहीं थे लेकिन हृदय के नेत्र इतने उज्जवल थे कि उनको उनको पता हो चल गया कि लगता है मेरी मैया के साथ कोई घटना घट गई है। इतनी देर मेरी मैया नहीं लगा सकती, इतनी देर मेरी मैया नहीं लगा सकती। आप सोचिए, भयावना जंगल, उसमें एक बालक एक वृक्ष के नीचे जिसे कुछ दिखता भी नहीं, अंधा है, दोनों नेत्र ही न है, मैया दर दर भटक रही है। भटकते भटकते उस मैया के शरीर के प्राण पखेड़ू उड़ गए। वे जंगल में प्यासा बच्चा एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहा है, कुरला रहा है और मां मां कहकर के पुकार रहा है। काफी समय व्यतीत हो गई, संध्या समय होने को आ गया, अंधेरा होने को आ गया, वे बालक की मैया नहीं उसके पास आई। अरे आएगी कहां से वे मैया, तो स्वर्ग सिधार गई। आज बालक परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, ये कैसा खेल है, मेरे उत्पन्न होते ही मेरे पिता का देहांत हो गया, मैया मुझे सुबह से छोड़ करके गई है और अभी तक उसका पता नहीं। नाभादास जी को पक्का हो गया कि लगता है मेरी मैया इस दुनिया में नहीं रही।